बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे टीम की तरफ से एक मैसेज मिला था कि हमारे कोई दोस्त हैं, उनका ये सवाल है कि लॉन्ग रनिंग करने के लिए कोई तरीकाकार बताएं। तो गालबन उनका नाम फजल नबी नाम है उनका, तो मैं आपको लॉन्ग रनिंग के टिप्स बताता हूँ, उसके ऊपर आपने जो है वो काम करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि रनिंग करने से पहले आपने 10-15 मिनट अपने आप को वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद जब आप रनिंग स्टार्ट करेंगे तो आप रनिंग अच्छी कर सकते हैं। अगर आप वार्म अप नहीं करते, आपकी जो बॉडी मसल्स हैं वो एक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से जब आप 100 मीटर भी अगर आप स्प्रिंट करते हैं तो उसके बाद आपका सांस फूल जाता है, तो आप थक के रुक जाते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या करनी है आपने, कि जब आपने रनिंग स्टार्ट करनी है तो रनिंग आपने स्टार्ट करनी है तो जहाँ तक आप आसानी के साथ जा सकते हैं आपने सांस नाक के ज़रिए लेना है और नाक के ज़रिए ही छोड़ना है। फिर जब आपका स्टेमिना थोड़ा सा कम हो जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। उसके बाद मज़ीद जब आपका स्टेमिना कम होता है तो फिर आप सांस मुंह से लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। जब आखिरी स्टेप आपके होंगे, आखिर में आपका 200 मीटर 300 मीटर आपका रह जाता है, तो उसके लिए जो आप सांस आप लेंगे वो आप ओपनली मुँह नाक दोनों से सांस ले रहे होंगे और छोड़ रहे होंगे, क्योंकि जब रनिंग एंड हो रही होती है जिसके अंदर आपका 5 किलोमीटर्स है 2 किलोमीटर्स है, आप इससे ज़्यादा भी अगर आप जाते हैं तो आखिर में स्टेमिना आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो है वो नाक मुंह दोनों से सांस ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं। अगर आप इन टिप्स के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी रनिंग बहुत आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान जनाब।